नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शाहरुख खान सर की वाइफ गौरी खान जी की सभी प्रोड्यूस की गई फिल्मों की लिस्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्डिक्ट के बारे में। वीडियो काफी मजेदार होने वाली है दोस्तों, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गौरी खान जी ने अपने प्रोड्यूसर करियर की शुरुआत साल 2004 में आई मैं हूं ना फिल्म से करी थी और इस फिल्म की बजट थी 24 करोड़ 70 लाख की। फिल्म ने दुनिया भर से कमाई की थी 73 करोड़ 30 लाख और यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसके बाद साल 2005 में गौरी खान जी की फिल्म आई पहेली। दोस्तों, 14 करोड़ की बजट से बनी फिल्म ने कमाई थी 32 करोड़ 45 लाख की और यह सेमी हिट रही। इसके बाद साल 2007 में गौरी खान जी की फिल्म आई ओम शांति ओम। बजट थी फिल्म की दोस्तों 35 करोड़ की। दुनिया भर से फिल्म की कमाई हुई थी 149 करोड़ 87 लाख की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हुई थी। इसके बाद साल 2009 में गौरी खान जी की प्रोड्यूस की गई फिल्म आई बिल्लू बार्बर। फिल्म की बजट थी दोस्तों 27 करोड़ की और इसने कमाई थी 47 करोड़ 45 लाख और यह फ्लॉप रही। इसके बाद 2011 में गौरी जी की फिल्म आई ऑलवेज कभी कभी। 11 करोड़ की बजट से बनी फिल्म ने अपने भारत से 4 करोड़ 18 लाख की कमाई की और यह डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही गौरी जी की फिल्म आई थी रावण और दोस्तों फिल्म की बजट थी 130 करोड़ की। दुनिया भर से इसने कमाई 208 करोड़ 10 लाख और यह बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। साल 2012 में गौरी खान जी की फिल्म आई स्टूडेंट ऑफ द ईयर। 35 करोड़ की बजट से बनी फिल्म ने कमाई थी दोस्तों 109 करोड़ की और यह बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इसके बाद साल 2013 में गौरी जी की फिल्म आई थी चेन्नई एक्सप्रेस। बजट थी फिल्म की दोस्तों 75 करोड़ की। दुनिया भर से इस फिल्म ने कमाई 424 करोड़ 54 लाख की और यह बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद 2014 में आई थी हैप्पी न्यू ईयर और यह फिल्म 140 करोड़ की बजट से बनाई गई थी। फिल्म ने दुनिया भर से 387 करोड़ 46 लाख की कमाई की और यह सुपर हिट रही। इसके बाद 2015 में गौरी खान जी की फिल्म आई दिलवाले और दोस्तों बजट थी फिल्म की 75 करोड़ की। दुनिया भर से इसकी कमाई हुई 376 करोड़ 85 लाख की। इसी के साथ ही यह बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद 2016 में गौरी जी की फिल्म आई डियर जिंदगी और दोस्तों 33 करोड़ की बजट से बनी फिल्म ने कमाई 139 करोड़ 29 लाख की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद साल 2017 में आई रईस और दोस्तों फिल्म की बजट थी 87 करोड़ की। दुनिया भर से इस फिल्म ने कमाई 295 करोड़ 86 लाख की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल ही फिल्म आई थी जब मेरी हिट सेजल। फिल्म की बजट थी दोस्तों 80 करोड़ की और इसने कमाई थी 153 करोड़ 43 लाख और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल ही गौरी जी की फिल्म आई इत्तिफाक और 24 करोड़ की बजट से बनी फिल्म ने कमाई 56 करोड़ 26 लाख और यह सेमी हिट रही। अगली फिल्म आई गौरी खान जी की साल 2018 में जीरो और दोस्तों 200 करोड़ की बजट से बनी फिल्म ने कमाई मात्र 196 करोड़ की और यह डिजास्टर रही। इसके बाद 2019 में इनकी फिल्म आई बदला और दोस्तों फिल्म की बजट थी मात्र 22 करोड़ की और इस फिल्म ने दुनिया भर से 138 करोड़ 86 लाख की ताबड़तोड़ कमाई की थी और मेरे दोस्त यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद साल 2020 में आई थी क्लास ऑफ 83 और दोस्तों इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई थी और इसी साल ही आई थी कामयाब। 8 करोड़ की बजट से बनी फिल्म ने कमाई मात्र 2.5 करोड़ की और यह बुरी तरह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 2021 में गौरी जी की फिल्म आई बॉब विश्वास और इसे OTT प्लेटफॉर्म G5 पे रिलीज की गई थी। इसके बाद 2022 में आई लव हॉस्टल और दोस्तों इसे OTT प्लेटफॉर्म G5 पे रिलीज की गई थी और इसी साल ही इनकी फिल्म आई डार्लिंग और इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई। और दोस्तों इसके बाद 7 सितंबर 2023 को गौरी खान जी की फिल्म आने वाली है जवान और इस फिल्म की बजट है लगभग 300 करोड़ की। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाएगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों यह था गौरी खान जी की
अब तक की प्रोड्यूस की गई सभी फिल्मों की लिस्ट। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दे, जिससे आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खत्म, बाय बाय, टाटा।